कलहर तहसील मुख्यालय पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों में आपस में कुछ कहासुनी होने पर जमकर विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान दोनों में एक दूसरे पर जमकर मारपीट व ईंट पत्थर व अपनी झाड़ू से जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद आसपास के लोगों ने मामले का समझौता कराया। बदायूं उझाने क्षेत्र की थाना पुलिस ने ग्राम मानकपुर रोली के बीच में की गई लूटपाट के दौरान हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले चार व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। बदायूं उझाने पुलिस की कड़ी मेहनत के बाद चार लोगों को गिरफ्तार करते हुए चार देसी तमंचे, आठ जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही लूटी हुई रकम 4,170 रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। बल चेतु को लोग पकड़े गए क्या मामला है? देखिए 11 तारीख को सुबह 4 बजे मानिकपुर गांव से थोड़ा दूर, लगभग आधे किलोमीटर दूर एक मक्के के खेत थे, दोनों तरफ बीच में एक सड़क हुई थी, वहां से मोटरसाइकिल से एक तीन लोग जा रहे थे और वहाँ पे कुछ लोग आ गए थे, उनसे लूटपाट के जब लूटपाट का विरोध किया तो एक व्यक्ति को गोली मार दी गई थी। आनंदपाल नाम का एक व्यक्ति था जो 60 साल का था, उसकी मौत हो गई थी। और इसमें टीमों को लगाया गया था जिसमें से चार व्यक्ति पकड़े गए हैं, उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इनके कब्जे से लूटे हुए रुपये तथा हत्या में प्रयुक्त किया गया असलहे तथा अन्य भी अवैध शस्त्र बरामद हुए हैं। दो अभियुक्त अभी फरार चल रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी का प्रयास है, टीमें लगी हुई हैं। जनपद संभल के जिला अस्पताल में एक युवक को जेब कतरे की सूचना देना भारी पड़ गया। बता दें कि युवक ने अस्पताल स्टाफ को जेब कतरे की सूचना दी थी, जिसके बाद उल्टा अस्पताल स्टाफ ने उस युवक को ही पीट दिया और पीटते पीटते सीएमएस दफ्तर में ले गए, जहां पता चला कि सूचना देने वाला युवक पुलिस का ही मुखबिर था, जिसको पुलिस वहां से छुड़ा कर ले गई और जेब कतरे को गिरफ्तार कर लिया। हाँ सर, जिला अस्पताल में एक चोर को आज पकड़ा गया था, तो किस तरह से सूचना मिली थी और कैसे कैसे इसको पकड़ा गया है? हमारे हॉस्पिटल की हॉस्पिटल मैनेजर जो है वो आई और उनके साथ में अस्पताल के कुछ और कर्मचारी किसी चोर को पकड़ कर लाए। उनका कहना था कि दवा रखने वाले स्थान पर पड़ा था, इसकी सूचना किसी अन्य व्यक्ति ने उन्हें दी। वो लोग सब यहाँ मेरे कक्ष में आए, उनसे वार्ता की, उसके बाद मौके पर ही पुलिस को बुलाकर उनके हवाले कर दिया। लेकिन सर, तस्वीरों में देखा जा रहा है कि जो अस्पताल का जो स्टाफ है वो उसी मुखबिर को पीटता चला जा रहा है जो कि पुलिस का मुखबिर बताया जा रहा था, और जबकि वो कह भी रहा था कि मैं पुलिस का मुखबिर हूँ, मैंने तो खुद चोर की सूचना दी है, लेकिन उस दौरान भी चार से पांच लोग जो अस्पताल कर्मी थे वो उसको लगातार पीटते हुए आपके कक्ष तक लाए गए, तो इसमें क्या कार्रवाई की जाएगी अस्पताल स्टाफ के खिलाफ? हेल्थ महकमे की छूट के चलते झोला छापू के इलाज से निरीह की मौत की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला नखासा थाना के गांव सुतारपुर का है, जहां झोला छाप के इंजेक्शन लगाने के बाद एक महिला की हालत अचानक बिगड़ गई तथा उसे हायर सेंटर ले जाते समय महिला की मौत हो गई। वहीं मौत की खबर मिलने के बाद आरोपी डॉक्टर मौके से फरार हो गया। अलबत्ता पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम कर जांच शुरू कर दी है। झूला साहब, डॉक्टर के इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई है, क्या है पूरा मामला? मुझे कल शाम को ये संज्ञान मिला कि नखासा थाना क्षेत्र में कोई ग्राम साधकपुर है, वहाँ पर किसी महिला की मृत्यु हुई है, और मैंने आज अपने नोडल अधिकारी को उस गांव में सवेरे भेजा हुआ है मालूम करने के लिए कि क्या वहाँ पर वस्तु स्थिति है। और जानकारी करने पर पता चला कि वो महिला काफ़ी दिनों से बीमार थी और वो जिस भी डॉक्टर के पास पहुंची हैं उनके पास कोई इंजेक्शन लेके पहुंची थी कि मुझे ये लगा दिया जाए, और वो इंजेक्शन के लगने के बाद या कैसे भी वो पूरी जांच का विषय है, जो भी जांच में निकल के आएगा उसके अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।